doesn't. Hello friends, welcome to Robo Pathshala. I am Tony Stark. और मेरा नाम गौरव है. आज हम आपके लिए अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर बेस्ड है. सो गाइस, हमारा ये प्रोजेक्ट 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है और अगर आप स्टूडेंट हैं, इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है. और अगर आप ये सिस्टम अपने घर में या शॉप्स पे लगवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे. इस सिस्टम को हम अपने सीसीटीवी कैमरा के साथ इंस्टॉल करके कॉलेजेस में अटेंडेंस के लिए यूज कर सकते हैं और घरों में हम फेस रिकॉग्नाइज करके गेट या डोर ओपन करवा सकते हैं. और भी डिफरेंट तरीकों से इसका इस प्रोजेक्ट का यूज किया जा सकता है. तो जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि फेस डिटेक्शन का यूज फोन में किया जाता है. एक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर बॉक्स फेस को डिटेक्ट करता है, तो हमने उसके पीछे की एल्गोरिथम हार कास्केड को यूज करके एक फेस डिटेक्शन सिस्टम बनाया है. तो चलिए अब हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं, जिसमें हम फेसेस को डिटेक्शन के बाद अपनी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करेंगे और उन सभी फेसेस को अलग अलग यूनिक आईडी प्रोवाइड करेंगे और अपने फाइनल स्टेप थर्ड स्टेप में इन स्टोर इमेजेस को या फेसेस को कंपैरिजन के लिए लाइव फेसेस से कंपेयर करके रिजल्ट शो कर सकते हैं और जान सकते हैं पर्सन कौन है, कहां से आया है, उसकी एज क्या है. मतलब आधार कार्ड को हम फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के साथ लिंक कर सकते हैं. तो मैंने अपने एग्जाम्पल में भी ऐसा किया है, आप देख सकते हैं.